नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सीएस सर्किट चैनल पे। हम पढ़ रहे हैं डिस्क्रीट मैथमेटिक्स और आज हम कंटिन्यू करेंगे हमारा प्रीवियस टॉपिक जो कि था सबसेट। सो फ्रेंड्स, हमारे प्रीवियस टॉपिक्स में हमने देखा था किस तरह हमारे पास जो एलिमेंट्स होते हैं हमारे सेट में वो एज अ सबसेट काम करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास ए एलिमेंट है जिसके ए हमारे पास सेट है जिसके हम अंदर हमारे पास पाँच एलिमेंट है और यहाँ पर हमारा सेकेंड है वो है बी। ठीक है, सो जो एलिमेंट्स हमारे बी के अंदर है जो एलिमेंट्स हमारे बी के अंदर है वो सारे एलिमेंट्स हमारे ए के अंदर भी होने चाहिए, तभी हम क्या कहेंगे उसे, तब हम कहेंगे उसे सबसेट। तो बी जो है यहाँ पर क्या हो गया, सबसेट ऑफ ए हो गया और इसको हम कहेंगे सुपर सेट। कहेंगे सबसेट। अब क्या है, हमारे पास इसमें कुछ प्रॉपर्टी होती है जो कि हम स्टडी करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, हमारे यहाँ पर बोला है कि फाइव सबसेट ऑफ ए। नाउ फाइव को हम किस तरह से लिखते हैं, फाइव को हम लिखते हैं इस तरह से और ए के अंदर हमारे पास कुछ भी हो सकता है यहाँ पर। ठीक है, अब हमने जैसे सबसेट के डिफिनेशन में क्या बोला था कि जो भी एलिमेंट है वो सारे के सारे यहाँ पर होने चाहिए, लेकिन फाइव के अंदर तो कोई एलिमेंट है ही नहीं। सो डायरेक्टली हम यहाँ पर बोल सकते हैं कि एम्प्टी सेट जो होता है वो सबसेट ऑफ एवरी सेट, चाहे कोई भी सेट ले लो आप। कुछ कंपेयर करने के लिए यहाँ पर जब है ही नहीं तो आप किससे कंपेयर करोगे, तो हम डायरेक्टली यहाँ पर बोल देंगे कि सारे ही सेट जो है हमारे पास सारे ही सेट का जो सबसेट होगा वो फाइव होगा ही होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट चीज देखते हैं। नेक्स्ट चीज में हमारे पास क्या है कि ए इज सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट। सो हमारा यूनिवर्सल सेट जो होता है वो बना ही कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट सबसेट से होता है। सो अगर आपके डेफिनेशन में दिया हुआ यूनिवर्सल सेट जो है उससे ही अगर हमारा ए बना है तो वो डेफिनेटली क्या होगा, सबसेट तो होगा ही होगा, सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट तो होगा ही होगा। अब उसी के बाद क्या हो गया, अब तीसरी चीज है हमारे पास कि ए सबसेट ऑफ ए। सो जो एलिमेंट्स हमारे पास ए के अंदर है क्या वो सारे अंदर हमारे सारे एलिमेंट्स हमारे राइट हैंड साइड में भी मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। सो जो एलिमेंट्स यहाँ पर है वही एलिमेंट्स यहाँ पर है। सो फ्रेंड्स, एवरी सबसेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ। सो ये जो तीन प्रॉपर्टी है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। सो ये भी हमें याद रखनी पड़ेगी। अब प्रॉपर सबसेट क्या कहता है, प्रॉपर सबसेट मतलब कहता है कि आपका जो जो सुपर सेट है उसके अंदर एक ना एक एलिमेंट जो है सबसेट से ज्यादा होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास ए दिया हुआ है 1 2 3 और बी दिया हुआ है 1 2 3 और 7। सो यहाँ पर क्या हो गया है कि जो एलिमेंट्स ए के अंदर है वो सारे के सारे एलिमेंट हमारे बी के अंदर है। ठीक है, सो हम इसमें यहाँ पर भी क्या कह सकते थे कि ए इज सबसेट ऑफ बी, तो ये तो हमारा हो गई होगा। साथ ही साथ हम क्या क्या भी बोल सकते हैं इसे, जो भी हमारे बी के एलिमेंट्स है वो ज्यादा है ए से, मतलब बी के अंदर जो है 7 नाम का जो एलिमेंट है हमारे पास वो मोर देन मतलब वो ए में है नहीं हमारे पास, तो हम क्या कहेंगे कि ए इज व्हाट, प्रॉपर सबसेट है, बिल्कुल बिल्कुल प्रॉपर सबसेट है यहाँ पर, क्योंकि बी के अंदर क्या है हमारे पास ज्यादा एलिमेंट है और ए के अंदर कम एलिमेंट है। अब बढ़ते हैं हमारे तीसरी चीज की तरफ जो होती है इक्वालिटी ऑफ सेट। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर देखेंगे कि अगर हमारे पास ए दिया हुआ है 1 2 और बी दिया हुआ है सेम 1 2, तो यहाँ पर हम क्या बोलेंगे कि जो एलिमेंट्स ए के अंदर है वो भी वही एलिमेंट बी के अंदर भी है। ठीक है, उसी तरह जो एलिमेंट बी के अंदर है वही एलिमेंट हमारे ए के अंदर है। सो क्या इसका मतलब ऐसा नहीं है कि ए जो है और बी जो है वो सेम है, क्योंकि हमने एग्जांपल में हमने ए और बी सेम लिया है। सो कभी भी आप अगर आपको देखना है कि इक्वालिटी ऑफ सेट आपको पहचाननी है तो आप क्या करोगे, ए सबसेट बी निकालोगे और बी सबसेट ए निकालोगे। सो उससे आपको पता चल जाएगा कि इक्वालिटी आपकी है या नहीं है सेट में। ठीक है, अब बढ़ते हैं हमारे पावर सेट की तरफ। तो फ्रेंड्स, पावर सेट में क्या होता है कि यहाँ पे एवरी पॉसिबल सबसेट हमें लिखना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, हमने ए की वैल्यू ले ली है 1 और 2,
तो हम क्या करेंगे, इसे लिख लेंगे। तो इसमें सबसे पहले क्या आता है, एक तो नल आता है, मतलब नल सेट आता है, नल सेट कहते हैं हम, या फिर इसे फाइव भी बोल सकते हैं। उसके बाद एक पॉसिबल क्या चीज़ हो सकती है, वन। एक पॉसिबल क्या चीज़ हो सकती है, टू। और एक चीज क्या पॉसिबल हो सकती है, वन और टू। ठीक है, सो नंबर, जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स रहेंगे हमारे पास, फॉर एग्जांपल हमारे पास ए में एन एलिमेंट्स हैं, तो उसके पावर सेट में, तो पावर सेट में हमारे पास कितने एलिमेंट्स आएंगे, टू रेस्ट टू पावर एन एलिमेंट। अगर आपको इसका कॉम्बिनेशन किस तरह से बना है वो देखना है, तो आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो, वन टू। तो जो दो हमारे पास होता है उसके लिए हम क्या बना, क्या क्या बना सकते, जीरो जीरो मतलब कुछ भी नहीं, तो हम इसे फाइव बोल दिया। 01 तो हमने इसको क्या बोल दिया, इसको टू बोल दिया। 10 इसको क्या बोल दिया, हमने वन बोल दिया। और जब वन वन दोनों आ गए तो इसको बोल दिया वन ऑफ हमारा टू। इसको सेट के अंदर लिख लो। कभी कभी आपको ये भी कंफ्यूजन हो सकता है कि यार फाइव और जो हम लिख रहे हैं नल सेट, उसमें हमें कंफ्यूजन हो सकता है। सो फॉर एग्जांपल जो हमारा फाइव होता है उसको हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। कई बार आप कहीं कहीं पर देखोगे कि ये जो फाइव को है इस तरह से लिखा गया है, ये बिल्कुल रॉन्ग है। क्योंकि इसका मतलब क्या होगा कि आपके जो सेट है उसके अंदर भी एक जो है एम्प्टी सेट है, तो ये इस तरह से फाइव का रिप्रेजेंटेशन नहीं होता है, इस तरह से फाइव का रिप्रेजेंटेशन, ये करेक्ट रिप्रेजेंटेशन है हमारे पास। सो हमने पावर ऑफ ए को जिस तरह से लिखा था, हम इसको कैसे भी लिख सकते हैं, ये देखो ऐसे लिख सकते हैं, कॉमा करके वन करके टू करके कॉमा वन कॉमा टू। इसलिए आपने देखा होगा कि मैंने यहाँ पर क्या क्या ब्रेसेस नहीं लगाया, यहाँ पर मैंने ब्रेसेस लगाने का मैंने मतलब अवॉइड किया यहाँ पर, क्योंकि ये ऑलरेडी क्या है, ये ऑलरेडी इसको ऐसा लिखा गया है। सो ये था हमारा पावर सेट। सो फ्रेंड्स, हमने मैक्सिमम चीज़ें जो टर्मिनोलॉजी है वो कवर कर लिए। सो अगले वीडियो में हम देखेंगे किस तरह से कुछ क्वेश्चन सॉल्व होते हैं, और किस तरह हमारे पास, किस तरह हम किस तरह सॉल्व करते हैं अलग अलग क्वेश्चन, जो कि बिल्कुल हमारा माइंड कुछ अलग लेवल पे खोल देगा। सो हमारे साथ बने रहे, सब्सक्राइब करें, धन्यवाद।